और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। तीन काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं। हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी, जब चुनाव आया तब हिले। तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये तीन काले कानून हम वापस ले लेते हैं।